राइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। अब हर फोन से करें पे, डिजिटल भारत का डिजिटल साथी क्विक पे, रिटेलर भाइयों के लिए कमाने का सुनहरा मौका। क्विक पे से पेमेंट एक्सेप्ट करें और पाएं ढेरों उपहार। बलिया जिले के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अभिषेक सोनी द्वारा किया गया नगर भ्रमण। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार बलिया जिले से खड़े हुए नगर अध्यक्ष पद प्रत्याशी अभिषेक सोनी से हमारी खास बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि इससे पहले जो भी नगर पालिका अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में उनके कार्य से पूरी बलिया की जनता उनसे नाखुश थी। अभिषेक सोनी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हमारा सबसे पहला कार्य नाली की सफाई और सड़क निर्माण का रहेगा। धन्यवाद। बलिया जिले से संवाददाता अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं बलिया जिले के शहर में मौजूद हूं और यहां पर अभिषेक सोनी जो कि नगर अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं भैया, और यहां पर ये चुनाव लड़ रहे हैं नगर अध्यक्षी का। और इस वक्त आप देख सकते हैं इनके द्वारा एक नगर भ्रमण का छोटा सा एक रैली निकाला गया है। इस रैली में मैं लगभग बता दूं आपको कि लगभग सैकड़ों और 200 की मात्रा में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, इस रैली में शामिल हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर रैली चल रहा है ऐसा देख के लग रहा है कि नगर अध्यक्ष अभिषेक सोनी जी पद प्रत्याशी अभी हमारे साथ हैं। जी सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे आपका। जी अभी आप नगर अध्यक्ष पद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब टिकट देने की बारी होगी तो पार्टी एक कार्यकर्ता पर विचार करेगी और हम लोग पार्टी के प्रति बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही ईमानदारी से पार्टी को एक गति देने का काम करते हैं। उस उम्मीद में ये हम भी चाहेंगे पार्टी से कि हम सभी पर नामों पर विचार करें। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस चुनाव जीतने के बाद क्या प्रयास रहेगा अपने नगर विकास को लेकर? सबसे पहला तो 5 साल यहाँ पर एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में एक चेयरमैन को हम लोग ने जिता के भेजा, अंत समय में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, लेकिन बलिया की जनता उनको और उनके कार्यकाल जो भी काल रहे हैं उनसे हम लोग बलिया की जनता बहुत ही नाखुश है। एक तो अध्यक्ष पद की जो गरिमा होती है उसको धूमिल करने का अगर काम किसी ने किया है तो अभी वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष जो हुए हैं वैसे वो हुए हैं। देखिए आदमी को नगर के क्षेत्र में बस 3 चीज़ों की सुविधाएं चाहिए, नाली सड़क और बिजली की व्यवस्था। ये 3 चीज़ों पे अगर नगर पालिका का कोई भी अध्यक्ष बैठता है और काम कर देता है तो निश्चय ही एक अलग तरीके की व्यवस्था नगर पालिका परिषद में दिखेगी। अभिषेक भाई अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला क्या रहेगा आपका? सबसे पहला मेरा जो मुद्दा रहेगा चुनाव जीतने के बाद अगर मैं कुर्सी पर बैठता हूँ तो नगर पालिका के द्वारा, नगरपालिका ये बलिया का एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि मुख्य रूप से जो सड़क है वो 60 फीट की है, उसके बाद की जो गली है वो 30 फीट की है, उसके बाद जो सैनिटरी गली है जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है, मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि सैनिटरी गलियों को एकदम अतिक्रमण मुक्त कराकर, चाहे जिस तरीके से हो उसको खाली कराकर नगर की व्यवस्थाओं में देने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी लक्ष्मण गुप्ता जी भी अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में अजय कुमार जी भी हैं, लेकिन सब लोग चुनाव से पहले कहते हैं हम ये विकास करेंगे, लेकिन जीतने के बाद अभी भी देखा गया है कि नालियों की सफाई वैसे ही है और यहाँ तक कि जो सफाई कर्मी उनको वेतन तक भी नहीं मिल पा रहा है, कूड़ा कचरा का भी वही व्यवस्था है। तो आपको क्या लगता है आप जीत सकते हैं तो इसके बाद क्या परिवर्तन आएगा नगर में? देखिए 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा का हुआ, पुनः एक बार 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2022 में भी प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग 2017 में भी जब निकाय के चुनाव थी हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता के प्रत्याशी आदरणीय संजीव कुमार डम्पू जी को आप पूर्ण बहुमत के साथ बनाइए, निश्चय है कि ऊपर भी सरकार अपनी है, उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी है और बलिया का विकास अगर चाहिए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर विकास की गंगा बहाने का अगर काम करना होगा तो निश्चय रूप से ही आपको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना होगा। इसके पहले जिन लोगों का भी नाम आपने लिया है वो सभी निर्दल प्रत्याशी रहे हैं, बहुत रुपया खर्चा किए, पैसा खर्चा किए, बाद में सबसे पहले होता क्या है कि पहले अपने पेट को भरना है तब विकास की गंगा बहानी है। तो अभी तक आगामी चुनाव में मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर नगर
की व्यवस्थाओं को अगर विकास की कड़ी से जोड़ना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अपने किसी भी कैंडिडेट को जिताकर नगर पालिका के कुर्सी पर आसीन करिए, निश्चय ही मुख्य धारा से नगर का भी विकास होगा, ये तय है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमारी अभिषेक सोनी जी से बातचीत हुई और इन्होंने बताया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहिए चुनाव, ताकि वो अपने नगर को विकास कर सके। अब तक खबरों में इतना ही, फिर आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं अभिषेक पांडे, कैमरामैन विकास यादव के साथ। खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।